अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस अवेयरनेस मंथ चल रहा है, सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक पीपल अवेयर। हम बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि लोगों को अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताए, बिकॉज अक्सर देखा गया है कि जब तक बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती तब तक लोग उसका इलाज नहीं करते, वेट करते, इंतजार करते हैं। तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बीमारी आपका इंतजार नहीं करेगी। आप रुक जाएंगे, बीमारी नहीं रुकेंगी। आप इंतजार करेंगे कि देखते हैं, कुछ दिन और वेट करते हैं, बट बीमारी नहीं रुकेगी, निरंतर लगातार बढ़ती जाएगी और आपकी लाइफ को और मुश्किल करती जाएगी और जिंदगी दुभर करती जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके जीवन में। मतलब आपने अगर अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज नहीं किया तो आपको कितना नुकसान हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक समझदार व्यक्ति की तरह वो नुकसान को बचा सके आज। अगर वो नुकसान को आप आज बचा सकते हैं, आप डेफिनेटली एक समझदार व्यक्ति के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आपको पता होने के बाद भी आप उस नुकसान को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर दोस्तों आपकी स्थिति की, आपके भविष्य के जो दुखदायक स्थिति रहेगी, तकलीफदेह स्थिति रहेगी, उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर रवि बैरागड़े, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स रोज देखता हूँ, ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं आज आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जितनी आपको लगती है उससे भी खतरनाक और तकलीफदेह बीमारी है। तो देखते हैं एक एक करके कि अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको क्या तकलीफ देता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस लाता है और क्या उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे प्रारूप में हम देखेंगे तो दर्द और अकड़न, ये इसका प्रथम लक्षण है। तो ये लक्षण है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये लक्षण है कि दर्द होता है, अकड़न होता है। इसके साथ साथ शुरू होता है अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आपको जकड़ने का खेल। वो आपको ऐसा जकड़ेगा कि आपकी एक्टिविटीज कम होती जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, मतलब जो भी एक्टिविटीज है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ये इसका एक सबसे सर्वप्रथम लक्षण है। आप जो भी काम करते होंगे वो आप इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद। जस्ट इमेजिन, आप जॉब पे, बड़े अच्छे जॉब पे, और अकड़न ने आपको जकड़ लिया, आपकी बॉडी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गए, तो आपको वो जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, एम्प्लॉय हो, या वर्कर हो, या बिजनेसमैन हो, आप सारे के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे आपके, इतना आपको ये जकड़ सकता है। अभी आप कहेंगे नहीं सर, मुझे इतना जकड़ा नहीं है अब तक, इंतजार कर रहे हैं कि कब पूरा जकड़ ले और तब आप कुछ करेंगे, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज उस समय शायद बहुत कुछ करने के लिए आपके पास बचेगा नहीं। आज सही समय है, बिकॉज आज आपने बीमारी को नहीं रोका तो बीमारी आपको बहुत सारी खुशियां और सुख से रोक सकती है। इसके बाद आता है आंखों का कॉम्प्लिकेशन। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया गया है वो है आंखों में इन्फ्लेमेशन के कारण, आयराइटिस होता है, यूवीआईटिस होता है, ये आंखों में इन्फ्लेमेशन होता है। आंखों में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। सो ब्लरिंग ऑफ विजन और धीरे धीरे विजन का कम होना, ये आम बात पाई गई है यूवीआईटिस में, जो अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा होता है सांस में तकलीफ होना। ये जो हम जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना ऐसे एक्सपैंड होता है और फिर ऐसे सिकुड़ता है। जब ये सीना एक्सपैंड होता है और सिकुड़ता है, इसमें जो हमारी हड्डियां हैं और उसके बीच में कार्टिलेज है, उसके बीच में ये एक्सपेंशन होता है, और इसके बीच में जो मसल्स और लिगामेंट्स है इसका एक्सपेंशन होता है। जैसे जैसे अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको जकड़ता है, आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, और ये सांस की तकलीफ बहुत तकलीफ देह हो सकती है, इतनी मुश्किल कर सकती है कि आप सांस ले नहीं पाएंगे, बिकॉज हर सांस आपको एक सीवियर पेन दिलाती है। और अकड़न हो गई तो पेन भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको अकड़न के कारण सांस नहीं ले पाएंगे। एक और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इसे गुड न्यूज समझ सकते हैं तो बेशक समझिए, लेकिन ये गुड न्यूज नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अकड़न बढ़ते जाती है, जैसे जैसे अकड़न बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अकड़न जैसे से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दर्द काफी लोगों को कम महसूस होता है। अब ये बड़ा ट्रैप है,
क्योंकि अगर आपका दर्द कम होगा तो आपको लगेगा हाँ सर मेरा भी है ना अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम है, ये ट्रैप है। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम इसलिए हो रहा है क्योंकि अकड़न शरीर में मूवमेंट ही नहीं हो रही है। सोचिए कि मुझे अगर यहाँ नहीं, मुझे क्यों बोलू, चलो किसी और को भी, किसी को भी यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, उसने मूवमेंट नहीं किया, प्लास्टर लगा दिया, तो क्या होता है दर्द का, दर्द कम हो जाता है। वैसे ही बॉडी इंटेलिजेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए, आपका दर्द कम करने के लिए ये बॉडी जॉइंट अकड़ जाएगा, गर्दन अकड़ जाएगी, हिप्स अकड़ जाएंगे, ताकि आपको पेन कम हो। मतलब बॉडी आपको एक तरह से प्लास्टर लगा देती है, तो वो प्लास्टर लग गई मतलब अकड़न आ गई, स्टिफ हो गया जॉइंट, फ्यूज हो गया जॉइंट, तो उस दर्द कम को कम मत बोलिए प्लीज। यस, ये रिक्वेस्ट है मेरी। कुछ लोग इस तरह के दर्द कम को कम बोलते हैं और बीमारी धीरे धीरे अंदर से बढ़ के आपका पूरा भविष्य खराब कर देती है। तो इस दर्द कम को कम मत बोलिए। यह दर्द कम होना स्टिफनेस का कॉम्प्लिकेशन है, स्टिफनेस का साइड इफेक्ट है, और बहुत कोई अच्छा साइड इफेक्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आपके बोन्स में आते हैं, बोन्स आपके खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है, और फिर आपको डेवलप होता है ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों का कमजोर होना। और आपको जैसे कि पता है कमजोर हड्डियां फ्रैक्चर जल्दी होगा, तो फ्रैक्चर की मात्रा बढ़ती जाती है, इसे कहते हैं कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स। क्योंकि एक तरफ स्पाइन अकड़ रहा है, फ्यूज हो रहा है, हड्डियां कमजोर है, तो कॉम्प्रेशन कारण फ्रैक्चर्स होते हैं, और आपको झटका लग गया और एक फ्रैक्चर, इस तरह से आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं गर्दन में, कमर में, स्पाइन में, कहीं पे भी, और साथ में हिप्स, ये बहुत फेवरेट लोकेशन है फ्रैक्चर का। ऑलरेडी हड्डियां कमजोर है, ये फ्रैक्चर बहुत तकलीफ दे होते हैं, और ये फ्रैक्चर हील होने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस फ्रैक्चर से जितना बच सको बच जाइए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो कॉमनली देखा गया है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जेनेटिक बीमारी है, ऑटोइम्यून डिसीज है, ये किसी भी ऑर्गन को नहीं छोड़ती, और हार्ट इसका फेवरेट ऑर्गन है। तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन, कार्डाइटिस, फिर हार्ट की ब्लड वेसल्स जो है आयोटा, इसमें इन्फ्लेमेशन, आयोटाइटिस, और साथ में वॉल्स में खराब होना, वॉल्स का खराब होना, वैस्कुलाइटिस, वॉल्यूलाइटिस एंड उसका डैमेज होना, ये काफी कॉमनली पाया गया है। सो हार्ट डैमेज इज अ कॉमन साइड इफेक्ट, उससे अभी आपको बचने की कोशिश करना है। वो हार्ट प्रॉब्लम आने के बाद आप लाखों खर्चा करेंगे, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि समझदार लोग हैं आप, और मैं चाहता हूं आज आप स्टेप ले ले जो भी लेना है आपको। सोरियासिस ऑटोइम्यून डिसीज हो सकता है, जिसमें काफी सारे स्किन के फ्लेक्स निकलते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसीज भी काफी आम मात्रा में पाया गया है अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मिला है वो है डिमेंशिया। रीसेंट लेटेस्ट स्टडी, अभी आप जाएंगे अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस न्यूज टाइप करेंगे, उसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी होना काफी आम मात्रा में पाया गया है। और डिमेंशिया इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं, और ऑटोइम्यून डिसीज के कारण ब्रेन में भी अटैक्स हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है। सो इस तरह से वैस्कुलर डिमेंशियाज एज वेल एज अवास्कुलर डिमेंशियाज बहुत कॉमन है, मतलब अल्जाइमर्स। सो अल्जाइमर्स डिसीज भी बहुत कॉमन मात्रा में अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट में पाया गया है। दोस्तों देखिए, बीमारी तो आपको लग रहा था सिर्फ जॉइंट की है, इसने आपके बोन्स को इन्वॉल्व कर दिया। चलिए आप कहेंगे सर अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोन्स को तो इन्वॉल्व करेगा, लेकिन आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर दिया, वॉल को डैमेज कर दिया, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर दिया, अब ये आपके ब्रेन पे अटैक कर रही है, आपके मेमोरी पे अटैक कर रही है। और एक अगर सपोज किसी को डिमेंशिया अल्जाइमर्स हो गया तो वो तो अपना अस्तित्व भूल गया है। एक मुझे यहाँ पे जोक याद आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेम्बलिंग की बीमारी अच्छी है या डिमेंशिया की। तो जोक ऐसा था कि एक पेशेंट है जो शराब पीने की आदत है, उसे पूछा गया कि देखिए आपको अल्कोहल से एक तो ट्रेम्बलिंग की बीमारी हो सकती है,
दूसरा भूलने की बीमारी हो सकती है। वो कहते हैं सर ट्रेम्बलिंग की बीमारी चलेगी, क्योंकि अगर ये जो मेरे हाथ में पेग है उसमें थोड़ा अगर छलक गया तो बाकी तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन डिमेंशिया में ग्लास कहाँ रखा है यही भूल गया तो मैं ड्रिंक कैसे लूंगा। सो ये जोक है, लेकिन जोक सपाट डिमेंशिया बीमारी अच्छी नहीं होती, अल्जाइमर्स वो भी अच्छी नहीं होती, उससे आपने बचना चाहिए। कुछ साधारण प्रॉब्लम डेवलप होते हैं जो बहुत कॉमन है, दिखने में साधारण है बट पूरी लाइफ आपकी उसमें उलझ जाएगी। थकान, टायर्डनेस और वीकनेस, ये इतनी ज्यादा मात्रा में पाया गया है कि आप जो भी नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बीमारी की साइड इफेक्ट्स, बीमारी के कॉम्प्लिकेशन, बीमारी का सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। इसमें अब तक मैंने बीमारी के गोलियों से होने वाले, जो डिसीज के लिए मेडिसिन लेते उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं किए। अभी हम सिर्फ बीमारी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, अंकलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में बहुत कॉमन मात्रा में पाई गई है पेट संबंधित बीमारियां, मतलब अंकलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिंपल कोलाइटिस और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस बहुत बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो आपको ये अगर जब होगा तो जनरली आप प्रोबायोटिक लेते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट क्योंकि प्रोबायोटिक एक टेम्पररी सोल्यूशन है, प्रोबायोटिक से अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है, राइट। सो आप ये इसमें मत पड़िए कि ये तो सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज है तो सिंपल से सिंपल हम प्रोबायोटिक से कंट्रोल कर लेंगे। आप प्रोबायोटिक से कुछ दिन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर बढ़ गया तो आपको आपकी पूरी कोलोन या अतड़ी काट के सर्जरी करके फेंकनी पड़ सकती है, इतना डैमेज हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पाया गया है वो है डिप्रेशन। आपको अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस इतना तकलीफ देता है कि आपको लाइफ में जीने लायक कुछ महसूस नहीं होता है। काफी कॉमन है कि अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस और डिप्रेशन का मिला जुला स्वरूप, तो डिप्रेशन काफी कॉमन है। डिप्रेशन के साथ साथ और भी कुछ एंग्जाइटी, मिक्स एंग्जाइटी डिप्रेशन और फोबियाज और फियर, ये कॉमन मात्रा में पाया जाता है अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में। देन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर। ये दोनों ऑर्गन आपके हमेशा रिस्क में है, आप बीमारी की वजह से बोलिए या बीमारी के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं उसके वजह से बोलिए, लेकिन आप हमेशा रिस्क में है लीवर फेलियर के और किडनी फेलियर के। कभी भी रिपोर्ट्स आ सकते हैं कि अब आपका रिपोर्ट शो कर रहा है कि आपका लीवर खराब हो चुका है और किडनी कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। मैंने एक केस बताई थी आपको डॉक्टर की, वो खुद डॉक्टर है, उन्हें सारी मेडिसिन ले ली, एलोपैथी डॉक्टर है वो, सारी मेडिसिन ले ली और आज उनका लीवर भी फेल है और किडनी भी फेल है। बहुत ही बुरी स्थिति होती है ये, इससे बचने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। एक और भयावह स्थिति है जिसको अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस से जोड़ा जाता है, मैंने लिखे रखा है आपके लिए कि लास्ट में बोलूंगा, लेकिन इतना लास्ट बोलने लायक नहीं है वो, कैंसर। कैंसर ये साइड इफेक्ट अभी जोड़ा गया है अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस से, बिकॉज ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून मतलब खुद को डैमेज करने वाली डिसीज, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली डिसीज, और अगर अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है तो इसका साइड इफेक्ट एक है कैंसर, जो आपको नुकसान पहुंचाने का नेचर का सबसे कारगर तरीका है, इससे जरूर बचने की कोशिश कीजिए। और कुछ साइड इफेक्ट है, बीमारी के रूप में कभी कभी सामने नहीं आएंगे बट आपके दिनचर्या में बड़ा अंतर करेंगे, यह है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाती है, ये आपसे ज्यादा फील कौन कर सकता है, समझ कौन सकता है, तो ये पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक साइड इफेक्ट है। दूसरा है पुअर फैमिली लाइफ, आप वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, इनके साथ जो क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं वो सारा का सारा अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको फास्टेस्ट खत्म करने वाली बीमारी अगर कोई है तो वो है अंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस। सेक्सुअल लाइफ, फ्यूज, जॉइंट फ्यूज हो जाना, डिप्रेशन में जाना, पूरे शरीर में दर्द रहना,
लाजमी है कि इसमें आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दोस्तों देखिए, एक ही लाइफ आपके पास, आपने इसे इस तरह से बीमारी पे निछौर नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बीमारी को इस तरह से हावी मत होने दीजिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म, फैमिली लाइफ खत्म, सेक्सुअल लाइफ खत्म, सारी लाइफ खत्म है। क्या मतलब इस तरह से क्या जीना है? उससे अच्छा एक बार जोर लगा के बीमारी को रिवर्स करने के लिए और खत्म करने के लिए कोशिश कीजिए। कुछ रेयर साइड इफेक्ट है, कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम, ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी है जिसमें ब्लैडर का कंट्रोल छूट जाता है, पेशाब कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, कभी कभी इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन नहीं है, तो इससे आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये है साइड इफेक्ट लिस्ट में। और एक साइड इफेक्ट है अमाइलोडोसिस। नाउ अमाइलोडोसिस एक ऐसी बीमारी है जो रेयरली पाई जाती है, लेकिन इसमें एक तरह का अमाइलॉइड नाम का पदार्थ पूरे बॉडी में कहीं भी और इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे लीवर में जमा हो सकता है। तो दोस्तों इतनी सारी साइड इफेक्ट वाली ये बीमारी है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस वाली ये बीमारी है, क्या चाहेंगे आप? इसको बढ़ने देना चाहेंगे या खत्म करना चाहेंगे? चलिए, दो साइड इफेक्ट तो मैंने बोले नहीं जो आपको आमतौर पर दिखेगा। जनरली हम जो पेशेंट देखते हैं वो ये बोलते हैं, ट्रीटमेंट कर करके गरीब हो गए, सारा पैसा खत्म हो गया सर, जितना बचा था सब खत्म हो गया। दोस्तों अगर आप समझदार होंगे ना, इसमें से पहला हिस्सा, फिर से सुनिए, पहला हिस्सा बीमारी को रिवर्स करने और क्योर करने वाले के इलाज में खर्चा करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि लोग ऐसे बीमारी ऐसे इलाज में सारा पैसा खर्चा करते हैं जिसमें ठीक नहीं होती है बीमारी, सिर्फ रिलीफ होता है। गलत है। आप पहला हिस्सा वहां खर्चा कीजिए जहां पर बीमारी को ठीक होने के चांस है, बीमारी रिवर्स होने के चांस है। अगर नहीं हुआ तो बाकी कुछ करना, लेकिन पहला हिस्सा, आपके फंड्स का पहला हिस्सा आपको पूरी तरह एक न्यू लाइफ गिफ्ट देने वाली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो वैसे तो काफी वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे, आप मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, इस तरह के वीडियोस लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मुझे बड़ी खुशी होगी इसका आंसर आपको देने में। एक और जो साइड इफेक्ट है पॉवर्टी, पुअर बन जाते हैं लोग, और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा वैसे भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में स्थिति खराब कर देगी, आपके फैमिली में स्थिति खराब कर देगी, आपके बच्चों का करियर कॉम्प्रोमाइज कर देगी, आपकी फैमिली लाइफ तो वैसे ही खत्म करने पे तुली है। दोस्तों आपको जितना लगता है उतनी सीमित नहीं है, तो इस अंधविश्वास में ना रहे कि ये बीमारी चलेगा, हम चला लेंगे, हम कुछ दिन और इस बीमारी को चला लेंगे, इस धारणा में ना रहे, आप शांत बैठ जाएंगे, बीमारी नहीं बैठेगी। आप स्थिर रहेंगे, आप बोलेंगे सर मैं एडजस्ट कर लूंगा, बीमारी एडजस्ट नहीं करेगी। आप बोलेंगे सर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, बीमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए आपका इलाज करना जरूरी है। हम बहुत तरह से प्लान कोशिश कर रहे हैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आपको प्रोत्साहित करें इलाज के लिए। इसी सिलसिले में अंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अवेयरनेस मंथ में हमने काफी बढ़िया प्लान्स लाए, काफी अच्छे प्लान्स लाए ताकि आपकी सहूलियत के हिसाब से ये इलाज आपको मिल सके। दोस्तों उसका जरूर फायदा लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है और हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमें बेहद खुशी होगी। जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और सबसे ज्यादा मुझे इंतजार रहेगा आपके उस डिसीजन का कि सर मैंने डिसीजन लिया है इस बीमारी को खत्म करने का। अगर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने डिसीजन लिया है तो आप खुद से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स से और आपकी खुद की लाइफ से बहुत प्यार करते हैं। नहीं लिया है डिसीजन अब तक, सोच रहे हैं तो दोस्तों सोच लीजिए, शायद आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं लाइव खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने का, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और पेशेंट जिनको इसकी जरूरत है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये बीमारी क्यों जल्दी से जल्दी
इलाज करके खत्म करने की है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।